दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंट्री में रिलोकेट होने की सोच रहे हो जहाँ पे आपकी कमाई सबसे ज़्यादा हो, तो यूएसए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है, इसी वजह से वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा कमाई भी होती है। अगर इकोनॉमी की बात किया जाए तो यूएसए पिछले कई सालों से नंबर वन पे है, और यही एक रीज़न है कि आपकी कमाई भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप यूएसए में कोई छोटे से छोटा भी काम करते हो तो आप 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाई कर सकते हो। दोस्तों, यूएसए में जाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। यूएसए में टेम्प्ररी वीज़ास भी है, जिसको टेम्प्ररी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बोलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ास भी है, फिर जे कैटेगरी वीज़ास है, J1 एंड J2, फिर EB क्लास कैटेगरीज है, EB1, EB2 एंड EB3। इसके अलावा अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हो जिसके पास 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है, तो आपके लिए H1B वीज़ा भी अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट बिजनेस वीज़ास भी है, और कुछ ऐसे भी वीज़ास है जिसमें आपको ग्रीन कार्ड भी साथ में मिल सकता है। जैसे EB कैटेगरी वीज़ास में पॉसिबल है कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए 7 ईयर्स का, और H1B वीज़ा में भी ग्रीन कार्ड आपको मिलता है। दोस्तों, USA में ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेसिडेंसी बट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। मतलब अगर आपको ग्रीन कार्ड मिलता है 7 साल का, तो 7 साल के लिए आप परमानेंट रेसिडेंट हो। दोस्तों, USA में काम करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि आपकी खर्चे कम होते हैं और कमाई बहुत अच्छी होती है। USA में आप 1 साल में इतनी सेविंग कर लोगे जितनी आप इंडिया में 10 साल में भी नहीं कर पाए। सो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाओ और आपका एम्प्लॉयर आपका जो वर्क वीज़ा है वो इजीली रिन्यू भी कर पाए और इवेंचुअली आपको ग्रीन कार्ड भी मिल जाए, तो USA आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कमाई सबसे ज़्यादा होगी। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं USA के कुछ प्रोफेशनल्स और अनस्किल्ड जॉब्स, जिनमें अगर आप ट्राई करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कैटेगरी के जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे ज़्यादा जॉब्स है हाउसकीपिंग एंड होटल जॉब्स। दोस्तों, हाउसकीपिंग मतलब क्लीनर का जॉब, और क्लीनर्स की हमेशा ही वैकेंसीज रहती है, और एक क्लीनर आराम से 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा लेता है। आपकी अवर्ली वेजेस $17 से $50 पर आवर हो सकती है। इसके अलावा होटल लाइन में बहुत ज़्यादा जॉब्स रहते हैं, तो अगर आप फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट हो मतलब वेटर, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में कुछ काम कर रहे हो होटल लाइन में, अगर आप CCTV ऑपरेटर हो या सिक्योरिटी गार्ड हो, अगर आप रिसेप्शनिस्ट हो जिसको हम फ्रंट ऑफिस सेल्स एजेंट बोलते हैं, अगर आप बारटेंडर हो या मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन हो जो होटल्स में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट या किसी भी प्रकार के सुपरवाइज़र हो या शेफ हो, शेफ दे पार्टी, कॉमी शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, हर प्रकार की वैकेंसीज अवेलेबल है। इनफैक्ट USA में बहुत सारी क्रूज लाइन्स भी है, तो अगर आप क्रूज लाइन्स में जॉब करने के इच्छुक हो तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा सुपरमार्केट्स में बहुत सारे काम है, स्पेशली गैस स्टेशंस एंड लोकल स्टोर्स में। तो दोस्तों, कोई भी गैस स्टेशन हो वहाँ पे एक मिनी मार्ट होता ही है। इसके अलावा बहुत सारी लोकल स्टोर्स है, कुछ लॉन्ड्री सर्विसेज है एंड कुछ सुपरमार्केट्स है। वॉलमार्ट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। वॉलमार्ट में अभी बहुत ज़्यादा जॉब वैकेंसीज है, अगर आप वॉलमार्ट में भी ट्राई करते हो यू हैव अ बेटर चांस। गाइस, आपको स्टोर मैनेजर, स्टोर कीपर, स्टोर सुपरवाइज़र, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंट क्लर्क, बुक कीपर, कैशियर, स्टैकर, डिलीवरी बॉय, पैकेजिंग वर्कर, जनरल हेल्पर, वेयरहाउस सुपरवाइज़र, लॉजिस्टिक सुपरवाइज़र, इस टाइप से बहुत सारे काम रहते हैं, और यहाँ पे आपकी सैलरी $20 पर आवर से चालू होती है। अपार्ट फ्रॉम इट, USA शुगर इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री में सबसे आगे है। अगर आप बुचर हो मतलब कसाई हो तो भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। यहाँ पे फूड काउंटर अटेंडेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डिफरेंट स्टॉल्स रहते हैं, मीट कटर्स की ज़रूरत पड़ती है। US में बर्फ बहुत पड़ती है तो यहाँ पे स्नो क्लियरिंग वर्क्स भी है, और भी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्क है जैसे गार्डनर, डॉग वॉकर, बेबी सिटर्स, नर्सेस, केयर गिवर्स। इसके अलावा टीचर्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, स्पेशली किंडरगार्डन टीचर की। अगर आप किंडरगार्डन टीचर हो तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है, आपको इसमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम प्रोफेशनल जॉब्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल जॉब्स में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर,
और फार्मा इंडस्ट्री के कुछ भी जॉब है, जैसे फार्मेसी असिस्टेंट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल्स मैनेजर की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, टीम लीड्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर आप HR हो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स और ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंटेटिव दोनों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से अक्वेंटेड हो तो डिजिटल मार्केटर की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसमें सोशल मीडिया मैनेजर, एडवर्टीजमेंट एक्सपर्ट, हर प्रकार के एड्स, मतलब फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है या कंटेंट राइटर हो तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम इट, कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ज़्यादा काम है, जैसे कंस्ट्रक्शन हेल्पर, प्लम्बर, कारपेंटर, टाइल फिटर। एक टाइल फिटर बहुत ही अच्छी कमाई कर लेता है। दोस्तों, USA में एक एक्सपीरियंस प्लम्बर या एक्सपीरियंस टाइल फिटर $100,000 तक भी आराम से कमाई कर सकते हैं। अगर हम इंडियन करेंसी में बोले तो 80 लाख या उससे ज़्यादा भी आप कमाई कर सकते हो, अगर आप एक एक्सपीरियंस प्लम्बर हो या एक्सपीरियंस टाइल फिटर हो। इसके अलावा डिलीवरी बॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैब ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर्स। इसके अलावा हर कंपनी में पर्सनल ड्राइवर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, स्कूल्स कॉलेजेस में भी ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप रिसेप्शनिस्ट हो या क्लर्क हो, इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे स्पास, स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनीज है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट या क्लर्क्स की ज़रूरत पड़ती है। USA में ऑफिस बॉयज़ का भी बड़ा कल्चर है और ऑफिस बॉयज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में, जैसे नर्सेस, केयर गिवर्स, फार्मेसी असिस्टेंट, या आप किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर, नर्सिंग असिस्टेंट, हर प्रकार के जॉब अवेलेबल है। बट गाइस, एक बात ध्यान में रखिए, आपको जॉब तभी मिलेगा जब आप एफर्ट करोगे। आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रोज़ 1 से 2 घंटा देना पड़ेगा। मतलब आपको टारगेट बनाना है कि रोज़ 15 से 20 जगह पे अप्लाई करना है। और जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV कवर लेटर होना चाहिए। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए या CV कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो और कोई भी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स भी बनाते रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे आकर वो वीडियोस भी देख सकते हो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब आपको और बेहतर और फ्रिक्वेंट कंटेंट्स मिलेंगे। तो गाइस, अगर आप USA में ट्राई कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के नाम मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है LinkedIn। अगर आप सिर्फ LinkedIn से ही जॉब को सर्च करते हो तो आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। इसके अलावा लोकल एरियाज के फेसबुक ग्रुप्स भी रहते हैं, अगर आप उनमें भी ट्राई करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर आप न्यूयॉर्क में ट्राई कर रहे हो तो आपको न्यूयॉर्क का फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा फेसबुक में। सबसे पहले तो आप पेजेस में मत जाइएगा, फेसबुक ग्रुप्स में जाइएगा और उसी ग्रुप को सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें अच्छे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो। दोस्तों, USA में बहुत सारे अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स फेसबुक ग्रुप्स के भी माध्यम से लोगों को मिल जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाके दिखाता हूँ कि इन जॉब्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ USA में कैसे जॉब ढूंढते हैं, और ये एग्जाम्पल है LinkedIn का। तो दोस्तों, जब भी आप LinkedIn में सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, जैसे हाउसकीपिंग मतलब क्लीनर का जॉब, तो आपने यहाँ पे हाउसकीपिंग लिखा। और जो दूसरा सेक्शन आपको दिख रहा है जॉब सर्च में, ये कंट्री का है। तो अगर आप USA में कर रहे हो अभी करेंटली, तो ये आप यहाँ पे USA लिखते हो, सर्च पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप करते हो, उसके बाद आपको डिफरेंट जॉब्स दिख रहे हैं, देख सकते हो आप हाउसकीपिंग के जॉब से। दोस्तों, ये आप एग्जांपल देख सकते हो वकासा का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउसकीपिंग का जॉब है और ये $20 पर आवर दे रहा है। $20 मतलब 1500 रुपये से ज़्यादा हर घंटे का। इसके अलावा आप और भी काम देख सकते हो, केसर परमानेंट नॉर्थ वेस्ट, ये 8 या फिर हाउसकीपिंग का काम है। वकासा का आपको फिर से काम दिख रहा है। फिर एक कैसिनो है मैवरिक गेमिंग्स, वहाँ पे भी काम है हाउसकीपिंग का, कैसिनो हाउसकीपिंग का। इसके अलावा आप डिफरेंट काम और देख सकते हो, राइली चिल्ड्रंस हेल्थ, यहाँ पे भी हाउसकीपर की ज़रूरत है, फुल टाइम काम है, FT मतलब फुल टाइम। अब जैसे मैं आपको राइलीज का एग्जांपल बता रहा हूँ, इस कंपनी को आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे फुल टाइम काम है,
10,000 से ज़्यादा इम्प्लॉयज़ है और ये हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर का काम है। यहाँ पे हमने जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन किया, इधर आप देख सकते हो कि इनको चाहिए क्या। रिक्वायर्स द एबिलिटी टू क्लीन एरियाज दैट रिक्वायर्स टेक्निकल क्लीनिंग इंक्लूडिंग IR, कार्डियक कैथ, मदर बेबी, NICU, OR या ED। मतलब बहुत सारे यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो उनको आपको क्लीन करना है तो आपको सिखा दिया जाएगा कैसे क्लीन करना है, लेकिन आपको गाइडेंस के हिसाब से करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट्स भी यूज़ करते आने चाहिए जो भी क्लीनिंग के रहते हैं, वैसे आपको सिखा ही दिया जाता है। कुछ जैसे लाइट फ्लोर इक्विपमेंट्स रहते हैं और जो क्लीनिंग के एसिड्स रहते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज आपको दे दिया जाता है, जब भी आप काम करोगे तो आपको सिखाया जाएगा कि क्या चीज़ कब यूज़ करोगे आप। मस्ट बी एबल टू लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट पेशेंट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी। कभी कभार हो सकता है कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को इधर से उधर आपको ले जाना पड़े, तो थोड़ा बहुत आपको लिफ्ट करना पड़ सकता है। कभी कभार आपको हो सकता है ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रहना पड़े। काम तो आपका फिक्स रहता है 8 या 9 घंटे कराएगा, जितना भी इनका टाइम स्पैन है। इसके अलावा आपको लॉन्ग पीरियड तक खड़े भी रहना पड़ सकता है, बीच बीच में बेंड भी करना पड़ेगा आपको, और मैक्सिमम आपको 35 पाउंड तक उठाना पड़ सकता है, मतलब 18-20 किलो तक आपको वजन उठाना पड़ सकता है। बहुत ही ईजी काम है, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। और आपको सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और गियर्स दिए जाएंगे, आपको वो सब हमेशा ही पहन के रखना है जब भी आप काम पे लगो। इसके अलावा भी आप देख सकते हो, और भी आपको बहुत सारे हाउसकीपिंग के काम दिख रहे हैं, जैसे अरामार्क में है हाउसकीपर, UF हेल्थ हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट का काम है। फिर एक कंपनी है फ्लोर एंड डेकोर, यहाँ पे भी हाउसकीपिंग एसोसिएट की ज़रूरत है। हयात होटल बहुत बड़ा होटल है, 5-स्टार होटल है, यहाँ पे हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट की जरूरत है। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ पैकेजिंग का। मैंने यहाँ पे पैकेजिंग पे लिखा, सर्च किया, तो अब यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो आप देख सकते हैं सेल्स पर्सन का भी काम है, पैकेजिंग सुपरवाइजर के काम है, वेयरहाउस पैकेजिंग का काम है जो मल्टी शिफ्ट काम है। इसके अलावा प्रो लॉजिस्टिक्स में भी काम है, ये भी पैकेजिंग का काम है। फिर वेस्टरॉक कंपनी में काम है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लीडर का। मतलब सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं, आपको डिफरेंट काम भी मिल सकते हैं। जैसे रिसोर्स MFG में काम है, ये भी पैकेजिंग का काम है मल्टी शिफ्ट का। इसी टाइप से आपको डिफरेंट काम दिखेंगे, सिर्फ पैकेजिंग ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक असिस्टेंट का भी काम है, ये है प्राडा ग्रुप्स में। अब दोस्तों मैं आपको कुछ सेल्स जॉब का भी एग्जाम्पल बता देता हूँ, सेल्स में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स रहते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे आप देख सकते हो इनबाउंड सेल्स क्लोजर का भी काम है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी काम है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है नॉर्थ स्टार मेमोरियल ग्रुप्स में। इसके अलावा आप और भी डिफरेंट काम देख सकते हो, अगर आप मैनेजमेंट में कुछ काम ढूंढ रहे हो तो अकाउंट्स मैनेजर का भी काम है SOS ब्यूटी ग्रुप में। इसके अलावा पार्ट टाइम सेल्स के भी काम है लग्जरी सेल्स एसोसिएट के रूप में, ये है द वीट कलेक्शंस में, ये बेवरली हिल्स का काम है। इसके अलावा इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का भी काम है टेक्ट्रॉनिक्स में, ये कैलिफोर्निया में आपको काम है। जैसे आप और भी देख सकते हो हॉस्टन में भी काम है, ये लोस कंपनी INC में है, ये है आउटसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम। तो दोस्तों इसी टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो, आप जो भी काम ढूंढोगे आपको $20 या उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर मिनिमम वेजेस की बात करें तो $16 है करेंटली, वो भी डिपेंड करता है फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स या प्रोविंस टू प्रोविंस। तो इसी टाइप से आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, आपको अप्लाई करना है। तो गाइस जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिल सकता है, क्योंकि USA में अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर होना चाहिए और आपको रेगुलरली 1 घंटा कम से कम देना पड़ेगा। सो इट्स एन एफर्ट ऑफ सेवरल मंथ्स, बट उसमें आपको मल्टीपल इंटरव्यूज भी आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली आप एक क्रैक भी कर लोगे। गाइस आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर हो, उसके बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, बहुत सारे लोग सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ, अगर आप कोई बुक स्टोर में जाते हो तो आप सबसे पहले बुक का टाइटल और कवर देखोगे, अगर वो अच्छा है तभी आप उसके अंदर का कंटेंट पढ़ोगे। CV एंड कवर लेटर्स में भी ऐसा ही रहता है, आप अपनी जो भी जॉब प्रोफाइल भेज रहे हो सामने वाला उसको तभी पढ़ने में इच्छुक होता है जब वो अट्रैक्टिव लगे, और उसी के बेसिस में आप शॉर्टलिस्ट भी होंगे। इसके अलावा आपका जो CV एंड कवर लेटर है वो कीवर्ड फ्रेंडली भी होना चाहिए। आजकल HRs डायरेक्टली कीवर्ड के बेसिस पे फिल्टरिंग कर लेते हैं और उसी में वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि किनको उनको लेना है। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास सफिशियंट फंड होना चाहिए टू सपोर्ट योर सेल्फ, दैट इज़ $2,000 एंड अबव, जो कि इंडियन करेंसी में 1.5 लाख या उससे ज़्यादा होता है। इसके बाद आपको मल्टीपल फॉर्म्स भरने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द वीज़ा विच यू आर गेटिंग। हो सकता है आपको J1 वीज़ा मिले या EB1, EB2 या EB3 मिले, हो सकता है आपको टेम्पररी वर्कर वीज़ा मिले, तो उसके बेसिस में आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके बाजू वाले थाने से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और एक हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपका जो पासपोर्ट है 6 मंथ या उससे ज़्यादा की वैलिडिटी उसमें बची होनी चाहिए। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको ही फ़ायदा रहता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है जब भी मेरा कोई वीडियोस अपलोड होते हैं। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा से ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई पेड सर्विसेज चाहिए जैसे पर्सनलाइज काउंसलिंग या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। एंड शॉर्ट वीडियोस एंड रील्स अगर आपको देखना प्रीफर है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।